जय हिंद। आइए अब हम लोग एक अनदर फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया कि आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीडम, स्वतंत्रता, सभी को मालूम है फ्रॉम टैक्सेशन मतलब जो सामान्य जन है जो टैक्स पे करते हैं उनसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा फॉर प्रमोशन ऑफ एनी अनदर रिलीजन या फिर एनी रिलीजन। मतलब जैसे जो हम लोग कर देते हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, या फिर वैसे लोग जिनको इनकम टैक्स लिया जाता है जिन लोगों से, वो लोग भी कर देते हैं, या फिर जितने भी कर के प्रावधान है जिस भी मेजर्स से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पूरे के पूरे स्टेट मतलब सरकार हमसे कर वसूलती है, उस पैसों का प्रयोग किसी भी एक धार्मिक कार्य के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 27 के अंतर्गत कहा गया है। कहने का मतलब है कि जो स्टेट का पैसा होगा, बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर नेशन, यहाँ आप किसी भी एक धर्म को अधिक जो है प्रचार प्रसार करने में आप उसमें व्यय नहीं कर सकते। फिर दूसरे धर्म वाले बोलेंगे कि हमें भी दो, दूसरे तीसरे धर्म वाले बोलेंगे हमें भी दो। तो स्टेट जो है न्यूट्रल रहेगा इन द सेंस कि सब धर्म धार्मिक जो लोग होंगे, जितने भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, डिनोमिनेशंस हैं, वो सब अपने अपने खर्च करें, स्टेट को उससे कोई लेना देना नहीं है। स्टेट अपने पैसे से किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या किसी रिलीजन का प्रमोशन नहीं करेगी, या फिर जो सिटीजन का टैक्स है वो किसी भी रिलीजन के ऊपर खर्च व्यय नहीं करेगी। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सिटीजन को उन्हें कंपेल नहीं किया जाए, कंपेल करना मतलब उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप टैक्स को दे, ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, चाहे किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार या फिर उसके मेंटेनेंस, उसके रख रखाव के लिए किसी भी सिटीजन को, किसी भी नागरिक को आप कंपेल नहीं कर सकते, ओब्लिक्ट नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते कि आपको टैक्स दें और उस टैक्स का पैसा हम किसी एक दूसरे धर्म में या फिर उसी धर्म में या फिर किसी भी धर्म में हम उसके रख रखाव, उसके प्रचार प्रसार में हम उसे खर्च करेंगे। दूसरा है, स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी इन स्टेट बॉडी। यू कैन से डैट स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी। पब्लिक मनी जो टैक्स के रूप में जो कर की वसूली की जाती है वो हो गया पब्लिक मनी, मतलब जनता का पैसा, आम लोगों का पैसा जो है उसे सरकार जो है, स्टेट सरकार जो है खर्च नहीं करेगी। नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाई द वे ऑफ टैक्स, जो कि कर के रूप में जिसकी वसूली होती है, मतलब जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे जो है सरकार जो है कभी भी कर की वसूली करने के बाद उसे उसका प्रयोग नहीं करेगी फॉर द प्रमोशन ऑफ, प्रमोशन मतलब ठीक है बढ़ावा देना, एनी पार्टिकुलर रिलीजन किसी भी धर्म का प्रमोशन के लिए, प्रचार के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए आम लोगों का पब्लिक मनी जो है उसका खर्च नहीं किया जाएगा जो कि कर के रूप में वसूली हुई है, क्योंकि यह एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, एक सेकुलर नेशन है, ऐसा संविधान कहता है मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 27 के तहत, आर्टिकल 27 के तहत, अनुच्छेद 27 के तहत फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। क्लियर हो गया कि मतलब स्टेट के द्वारा कोई फंडिंग नहीं मिलेगा कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, यह एक लाइन में बताऊं तो। आगे है, प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन। स्टेट को यहाँ प्रोहिबिट किया गया है, प्रोहिबिट मतलब प्रतिबंध करना, उस पर पाबंदी लगाना कि आप किसी भी एक धर्म को फेवर नहीं करोगे। अगर जो भी राष्ट्र, जो भी देश किसी एक धर्म को फेवर करता है, तो जैसे पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है, या फिर बहुत सारे इस्लामिक नेशन है, या फिर बहुत सारे क्रिश्चियन नेशन है, जहाँ की वो स्पेसिफिक है कि उस राज्य का धर्म इस्लाम हो गया। जैसे पाकिस्तान का अगर नाम पढ़ोगे तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, भारत में तो ऐसा है नहीं, तो वहाँ जो है इस्लाम स्टेट धर्म है, स्टेट रिलीजन है, तो वहाँ खर्च हो सकता है। भारत एज अ मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जो है एक इस्लामिक स्टेट बना दिया, भारत को जो है एक धर्मशाला बना दिया, ठीक है। अगर भारत को धर्मशाला ही बनाना था, मतलब धर्म निरपेक्ष ही बनाना था, तो फिर पाकिस्तान का जन्म क्यों करवाया? मतलब अगर आप यहाँ इस
एज अ स्टेट के रूप में, एज ए कंस्टिट्यूशन के रूप में जितने भी माइनॉरिटीज है उसको आप इतना अगर अधिकार दे रहे हैं, तो फिर एक विशेष धर्म के आधार पर एक राष्ट्र का, वो भी अपने राष्ट्र का विखंडन करके निर्माण कराने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन सत्ता के लालच में, ठीक है, लोग जो है अपनी मातृभूमि से भी दगाबाजी कर देते हैं, चाहे वो नेहरू हो या जिन्ना हो, बोथ ऑल आर इक्वल इन डिवाइडिंग आवर नेशन, आवर मदरलैंड, आवर मातृभूमि। तो प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग पैट्रोनाइजिंग, किसी भी मतलब इस भारत स्टेट को प्रतिबंध लगाता है कि आप किसी भी एक धर्म को प्रचार प्रसार में, उसके पैट्रोनाइजिंग में, उसके रख रखाव में, उसके उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, एक धर्म को, किसी एक विशेष धर्म को, ठीक है, स्टेट के पैसे से। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली लेवी ऑफ टैक्स, यह जो प्रावधान है यह सरकार को टैक्स वसूली के लिए मतलब एक प्रकार से मना करता है। प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली लेवी ऑफ द टैक्स एंड नॉट अ फी, फी के रूप में नहीं। आगे है, पर्पस ऑफ द फी इज टू कंट्रोल सर्विस सेफ्टी मेजर एंड फॉर मीटिंग रेगुलेशन एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है कि देखिए, एक प्रकार से बहुत सारे जैसे बोध गया बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा, जहां बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वहां आतंकवादियों ने हमला कर दिया। तो अब आतंकवादी हमला कर दिया तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो वहां फोर्स लगाया गया, मतलब एक प्रकार से होता है ना, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को अपने हाथों में लेनी पड़ी। उस परिस्थिति में फोर्स के ऊपर तो खर्च होगा ही, उसके रखरखाव में, उसके सिक्योरिटी, तो उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए एक स्वाभाविक सी बात है, स्टेट है किस लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। अगर हमारी भी जान को खतरा है तो स्टेट जो हमारी सुरक्षा प्रोवाइड कराएगी। उस परिस्थिति में ऐसा कहा गया है कि रेगुलेशन एक्सपेंडिचर खर्च हो सकता है, लेकिन रिलीजियस डॉक्ट्राइन या रिलीजियस फिलॉसफी, रिलीजियस दर्शन या रिलीजन को प्रमोशन में खर्च नहीं हो सकता। तो यही मूलतः बताने का प्रयास किया गया है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर नेशन, इंडिया इज अ धर्मशाला। इट्स दैट क्लियर? तो आर्टिकल 27 क्लियर हो गया एज अ फंडामेंटल राइट के रूप में, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया। और अब हम लोग आर्टिकल 28 पढ़ेंगे, 29 मतलब 35 तक हम कंप्लीट करेंगे मौलिक अधिकारों के रूप में। अब हम इस वीडियो, इस क्लास को यहीं समअप करते हैं, अगला आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 28। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।